Good afternoon students. Now today we will be doing a fun yes, today we will be doing a fun activity, okay? Now as you can see, the fun activity is based on number names 1 to 10. Okay, we have already discussed the number names. This is just a revision, a quick revision of the uh, chapters that we have completed. Okay, till now we have completed two chapters, okay? Now the question is

ठीक है नाक्रॉस वर्ड में क्या होता है कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे हमें सीधे लिखने हैं ये ब्लॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे ए लिखा हुआ है यहाँ बी लिखा है सी लिखा है डी ई एफ एंड जी ठीक है तो हमें कुछ वर्ड्स जो हैं वी हैव टू राइट इट अक्रॉस ये दिख रहा है ऐसे जो जाएगा वर्ड उसे हम अक्रॉस बोलते हैं और जो ऐसे जाता है वर्ड ओके वी हैव टू राइट सम वर्ड्स टूवर्ड्स द डाउन अक्रॉस ये दिख रहा है ए सी आर ओ डबल एस अक्रॉस तो हिंट हैज बीन गिवन ए है और यहाँ पे डाइस है ये जो आपको दिख रहा है ना ये सारे क्या है डाइस है ओके okay? यहाँ पे अक्रॉस में ए सी ई जी हर एक अल्फाबेट के आगे डाइस लगाया हुआ है ओके यू कैन सी द डाइस ओके नाउ आपको क्या करना है आपको पहले फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं नाउ ए दिख रहा है आपको एंड इट इज इसका मतलब ये जो हिंट है ठीक है इट हैज बीन गिवन फॉर द वर्ड दैट वी विल राइट हियर ठीक है ये जो एम टी बॉक्सेस हैं यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे भी ए है ठीक है तो ये जो एम टी बॉक्सेज है दीज आर ये इसका आंसर हमें किससे मिलेगा इस वाले डाइस से मिलेगा ठीक है सो so, हम क्या करेंगे पता है वी विल काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स ये ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं आपको डॉट्स काउंट करने हैं ऑन बोथ द डाइस ठीक है लेट अस क्विकली काउंट काउंट विथ मी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो कितने हैं कितने डाइस हैं कितने डॉट्स हैं है यहाँ पे एट ओके ना एट डॉट्स हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम राइटिंग यर इट इज एट ठीक है ना एट का स्पेलिंग आपको याद है नंबर नेम लिखना है आपको ओके सो आई विल राइट द नंबर नेम डाउन तो लिखना नहीं है बिकॉज यहाँ पे तो अक्रॉस दिया हुआ है सो वी विल राइट इन ए एंड अक्रॉस लिखे जल्दी से वॉट इज द नंबर नेम यस वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ एट ई I G H T क्या हो गया क्या नंबर आ गया लिख लिया मैंने नंबर नेम आई हैव रिटर्न द नंबर नेम ऑफ एट वाई आई हैव रिटर्न द नंबर नेम ऑफ एट क्योंकि यहां पे एट डॉट्स थे आफ्टर ए एंड दैट इज अक्रॉस अब यहां पे आपको टी मिल गया नाउ वॉट इज द वर्ड रिटर्न ओवर योर बी बी आपको अब आप टी से वर्ड दूसरा ढूंढना है कैसे जाओगे आप अक्रॉस जाना है या डाउन जाना है हाँ ये बॉक्सेस नीचे की तरफ हैं सो आई हैव टू गो डाउन तो अब मैं किस में देखूंगी डाउन कहाँ लिखा हुआ है यहां डी ओ डब्ल्यू एन डाउन लिखा हुआ है ना तो अब मैं यहाँ पे किस अल्फाबेट को खोजूंगी वॉट इज द एल्फाबेट रिटर्न ओवर हियर बी सो आई सर्च फॉर बी लेटर सी बी कहाँ पे है Yes, यहाँ पे है अब बी के आगे कितने डॉट्स हैं यू हैव टू सी ऑन द डाइस लेटर्स क्विकली काउंट वन टू थ्री हाउ मेनी डॉट्स आर देर ऑन द डाइस थ्री डॉट्स सो वॉट आई विल राइट ओवर योर किसका नंबर नेम लिखूंगी यहां पर मुझे आंसर मिल गया ना दिस इज थ्री डॉट्स तो आई विल राइट द नंबर नेम ऑफ थ्री वॉट इज द नंबर नेम ऑफ थ्री आई नो एवरी वन नोज टी एच R, E and last is E. मिल गया थ्री यस आई एव रिटर्न नाउ अब यहाँ पे इसके बगल में देखो इस ब्लॉक को हमें भरना है दिस इज ई राइट तो हम कहाँ देखेंगे वी विल गो अक्रॉस और डाउन हाँ अगर हमें ई e में डाउन अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे और ई e में अगर आपको अक्रॉस वाला वर्ड ढूंढना है तो आप यहाँ देखोगे ठीक है आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ यू विल फिल द क्रॉस वर्ड यू डू दिस क्रॉस वर्ड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स ओके आप मम्मी या पापा को बोल सकते हो टू ड्रॉ दिस क्रॉस वर्ड फ्रॉ फॉर यू जैसे मैंने ड्रॉ किया है ठीक है और उसके बाद आप खुद से ये क्रॉस वर्ड को सॉल्व करोगे पेरेंट्स आप प्लीज़ ये वीडियो बच्चे को दिखाइए ठीक है इफ़ ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग हेल्प हिम अंडरस्टैंड एंड लेट हिम सॉल्व इट फॉर हिमसेल्फ this is a very good activity and i know students you will be able to do it now let us move on to the next activity ye bahut simple hai you can draw it children you love drawing so you will draw it theek hai count and color the group which has less objects aapko kya karna hai आपको उस ग्रुप को जैसे दो यहाँ पे देखो बॉल्स हैं यहाँ ट्रायंगल है ऐसे दो ग्रुप्स फॉर्म्ड है राइट सेकंड में यहाँ फ्लावर है यहाँ cream है हेयर यू हैव स्टिक्स एंड हेयर यू हैव बलून्स तो आप क्या करोगे आप कलर करोगे ठीक है अब किसको कलर करना है हुम यू विल कलर दैट हैज बिन रिटर्न इन द क्वेश्चन कलर द ग्रुप विच हैज्जेक्ट्स लेस का मतलब क्या होता है कम ठीक है तो जिस ग्रुप में कम ऑब्जेक्ट्स होंगे यू विल कलर ओनली दैट ग्रुप फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में देख लो यू हैव लेटे काउंट द बॉल्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो हाउ मेनी बॉल्स यू हैव सिक्स बॉल्स एंड ट्राइंगल को देखिए हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव वन टू थ्री तो सिक्स इज बिगर और थ्री इज बिगर सिक्स इज बिगर तो हमें किसको कलर uh, करना है लेस ऑब्जेक्ट्स को तो so लेस कौन हुआ ये वाला ग्रुप राइट तो हम क्या करेंगे हम इसे कलर करेंगे यू कैन यूज एनी कलर दैट यू वॉन्ट ठीक है तो यहां पे मैंने लेस वाले को कलर कर दिया है सेम वे यू विल सॉल्व द सेकेंड एंड द थर्ड क्वेश्चन ठीक है आप अच्छे से काउंट करना एंड देन यू विल कलर इट ओके फॉर टिल देन डू दिस एक्टिविटी ओके होप यू विल एंजॉय इट और प्रॉपर एंड नीटली यू हैव टू डू इट ठीक है टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ बाय